वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज टेली ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप लेजर कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से सेट करते हैं देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेजर कॉन्फ़िगर करने से पहले हम लेजर क्रिएशन विंडो में जाएंगे, क्योंकि वहां पर जाने के बाद ही लेजर कॉन्फ़िगर किया जा सकते हैं। लेजर कॉन्फ़िगर करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो पर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लेज़र को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट पर इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लेज़र क्रिएशन विंडो के अंदर होंगे, तब यहाँ पर हम लेज़र कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और लेज़र कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से F12 की यूज़ करेंगे। जैसे ही हम F12 की यूज़ करेंगे, यहाँ पर लेज़र कॉन्फ़िगरेशन की एक विंडो ओपन होगी, जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन हैं, जिसे हम चाहे एक्टिवेट करके उससे रिलेटेड ऑप्शन हम अपने लेज़र में ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया, अलाउ अलाइस अलोंग विथ नेम। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि आप अपने लेज़र का कोई उपनाम भी होता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रेलिंग अलाउंस एक्सपेंसेस, अब मान लीजिए इसे किसी और अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो हम यहाँ अलाइस में हम इसको TA भी डाल सकते हैं, टी एक्सपेंस। अब जब भी आप वाउचर एंट्री में चाहे टी एक्सपेंस सेलेक्ट करें या ट्रेवलिंग अलाउ एक्सपेंस सेलेक्ट करें, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक अकाउंट में ट्रेवलिंग अलाउ एक्सपेंस ही शो होगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस तरह से हम अलाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिर से हम F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करते हैं, अलाउ लैंग्वेज अलाइस फॉर नेम। इस ऑप्शन को जब हम यस करते हैं, तो हमारे पास लेज़र कॉन्फ़िगरेशन में एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है लैंग्वेज का। यहाँ पर हम जो भी लैंग्वेज हमारे टेली ERP सॉफ्टवेयर में ऐड है, हम उस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। हम हिंदी, गुजराती या अदर लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज को हम सेलेक्ट करेंगे, उसी लैंग्वेज में हम अपने लेज़र को यहाँ पर शो कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और उसी लैंग्वेज में वो लेज़र यहाँ पर दिखाई देगा। उसके अलावा अलाउ एडवांस एंट्री इन मास्टर, हम इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यस करने का बेनिफिट ये होता है कि इसमें हमसे कुछ ऑप्शन पूछता है लेज़र बनाते समय। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड, ठीक है। तो और भी इससे और भी ऑप्शन ये पूछता है हमसे, बट हमारे पास जितने ऑप्शन एक्टिवेट रहेंगे उससे रिलेटेड ही ऑप्शन ही हमसे पूछेगा। उसके अलावा हम F12 का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अलाउ सर्विस टैक्स फॉर नॉन रेवेन्यू अकाउंट, नॉन रेवेन्यू अकाउंट्स जो होते हैं उसके लिए भी आप सर्विस टैक्स का यूज़ कर सकते हैं, अगर इस ऑप्शन को आप यस करते हैं तो। उसके बाद में अगर आप इसमें एड नॉट फॉर लेज़र अकाउंट इस ऑप्शन को अगर यस करते हैं, तो आप अपने लेज़र के लिए कोई भी नोट्स भी डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी पार्टी का कोई नाम हो या कुछ भी हो, उससे उसके बारे में भी अगर कोई नोट्स डालना है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नोट्स का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से F12 प्रेस करते हैं। एड डिस्क्रिप्शन फॉर लेज़र अकाउंट, इस ऑप्शन को जब हम यस करते हैं, तो हम किसी भी लेज़र के बारे में डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका विवरण डिटेल डाल सकते हैं, नोट्स भी डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम F12 प्रेस करते हैं। अगला जो ऑप्शन है, यूज़ एड्रेस फॉर लेज़र अकाउंट, इस ऑप्शन को जब हम यूज़ करते हैं, तब हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं एड्रेस से रिलेटेड। जैसे यानी किसी पार्टी का, मान लीजिए आप लेज़र बना रहे हैं, चाहे उसमें डी क्रेडिटर हो या डेप्टर्स हो, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन या फिलअप कर सकते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, वो किस कंट्री में है, प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, उसका पेन या IT नंबर भी आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। फिर से F12 प्रेस करते हैं। यूज़ एड्रेस फॉर रेवेन्यू अकाउंट, इस ऑप्शन को भी हम यस कर देते हैं। और यूज़ कॉन्टैक्ट डिटेल, इस ऑप्शन को यस करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन और एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कॉन्टैक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आपकी एक्टिवेट हो जाती है।
कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, सीसी, वेबसाइट, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं अगर आपने उस ऑप्शन को यस किया है तो। F12 प्रेस करते हैं। अलाउ मेथड ऑफ एप्रोशिएशन यूज इन परचेस इनवॉइस। इस ऑप्शन को जब आप यस करेंगे तो आप जब परचेस और सेल्स का जब लेज़र बनाएंगे तब ये ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा और आप इसमें उससे रिलेटेड ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लेज़र कॉन्फ़िगर करते हैं, बट लेज़र कॉन्फ़िगर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं हो और हम इसके सारे ऑप्शन एक्टिवेट कर देते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होती है लेज़र के लिए उसी के हिसाब से हमें लेज़र को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो डियर फ्रेंड, आपने जो वीडियो देखी है आप इसको देखते हुए ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन YouTube।